पांडवों का राज्य लौटाने का आग्रह और दोनों पक्षों की कृष्ण से सहायता की मांग राजा सुशर्मा तथा कौरवों को रंगभूमि से भगा देने के बाद पांडवों ने स्वयं को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया। उनका असली परिचय पाकर राजा विराट को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। अभिमन्यु के विवाह के पश्चात पांडवों ने अपना राज्य वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। धृष्टराष्ट्र के राज्यसभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने पूर्व किए करार के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब आप हमें दिए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वहां उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोण आदि गुरुजनों तथा परशुराम, कर्ण आदि महर्षिगणों ने धृष्टराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा अन्याय के मार्ग में चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल लौटा दें, किंतु उनकी इस समझाइश को सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृष्टराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधत्व का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मैं महाराज धृष्टराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतः इस राज्य पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। मैं पांडवों को राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो भी हमसे युद्ध करके उसे प्राप्त कर लें। उपस्थित समस्त जनों के बारंबार समझाने के बाद भी दुर्योधन अपनी बात पर अडिग रहा और श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास चले आए और दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी होने लगी। पांडवों को राज्य न देने के अपने निश्चय पर दुर्योधन के अण जाने के कारण दोनों पक्ष में मत युद्ध निश्चित हो गया तथा दोनों ही पक्ष अपने लिए सहायता जुटाने में लग गए। एक दिन दुर्योधन श्री कृष्ण से भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु द्वारकापुरी जा पहुंचा। जब वह पहुंचा उस समय श्री कृष्ण निद्रामग्न थे, अतएव वह उनके सिराने जा बैठा। इसके कुछ ही देर पश्चात पांडुनय अर्जुन भी इसी कार्य से उनके पास पहुँचे और उन्हें सोया देखकर उनके पैताने बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से कुशल क्षेम पूछने के भगवान कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूँकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा,
ये दुर्योधन मेरे दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना लेने के लिए ही आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मेरे युद्ध नहीं का निश्चय के बाद भी तुमने क्या सोचकर मुझे मांगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहाँ आप हैं वहीं विजय है, और फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरा सारथी बने। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। कैसी लगी दोस्तों ये धार्मिक कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ मिल सकें।